मॉर्निंग गाइज, आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं एक्सरसाइज़ के लिए, तो अभी प्रॉपर तरीके से सुबह हुई नहीं है, सूरज निकला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। अच्छा, हम टाइम से निकल पाए हैं तो ताकि उन लोगों के साथ टाइम से योगा कर पाएँ और जल्दी फ्री हो पाएँ। कल थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसके चक्कर में ठाकुर साहब का जिम भी स्किप हो गया, इसीलिए आज जल्दी आए हैं। आज सुबह इतनी जल्दी आ गए हैं कि पूरी रोड एकदम खाली है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, बढ़िया है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और आज हम टाइम से पार्क भी आ गए हैं, तो आज उन सब के साथ हम योगा भी अच्छे से कर पाएंगे। है यार, योगा करने से स्किन कितनी बेटर, मैं खुद अपने आप में चेंजेस देख पा रही हूँ। वेट लॉस तो हुआ ही, उसके साथ साथ चेहरा भी काफ़ी बेटर हो गया है, आपको नहीं लगता? कमेंट करो। तो नवरात्रि चल रही है तो माता रानी की भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, सेवा तो ले लिए हैं, मस्त ताज़े ताज़े फल। और अब लेंगे थोड़ा सा पूजा की सामान, तो लौंग इलायची वगैरह लेनी है, सुहाग का सामान और थोड़े बहुत फूल। तो अब चलते हैं घर वापस। कुछ नए लोगों से मिले और एक योगा टीचर जो मिजारिया में रहते हैं वो भी बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, तो आज उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है जब आप सुबह नए लोगों से मिलते हो और अपनी वाइब्स एक्सचेंज करते हो, तो काफ़ी बढ़िया लगता है, ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो चलते हैं घर और करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। योगा करके आए, बहुत ही भूख लग गई थी, खाएंगे थोड़ी बहुत सेब, थोड़ा घर घर ठीक ठाक करेंगे। फैला हुआ है, बच्चा छोटा है, इधर उधर फेंक देता सारी चीज़ें, तो सारा घर समेट के नहा के फिर बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। एक एप्पल ऐसा फ्रूट है जो कि जिसके 13 हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा है। डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट करता है, हेल्दी बोन्स करता है और आपका लंग्स हेल्दी रखता है, ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इम्यूनिटी एंड ब्ला 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 ब्ला। इसीलिए मैं शिवाय को एप्पल देती हूँ रोज़, और मैं भी खाती हूँ रोज़ एप्पल, आप भी खाया करो। तो ये आ गया हमारा साउथ इंडियन डिश और मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म उपमा, शिवाय को भी काफ़ी पसंद है तो वो भी खाता है। और ये आ गई हमारी गर्मा गर्म लेमन टी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए टेबल के नीचे घुस करके और खेल चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई?
ये गेम चल रहा है, दिखाओ अपनी शक्ल मासूम सी। चूही आज खाने में है हमारा सरसों का साग, पर मक्के की रोटी नहीं होगी क्योंकि मक्के की रोटी तो मम्मी को बनानी आती है, मेरे को आती नहीं है। तो उसके साथ साथ बनाएंगे दाल चावल रोटी सब्जी। तो हम वेट कर रहे हैं डैडा का कि जल्दी से डैडा आए तो हम खाना खाएं, और चाय भी हन्नू उन्नू कर चुके हैं ठंडे पानी से। तो अब हम जाते हैं खाने के लिए। सरसों का साग बरसों के बाद खाया मैंने सरसों का साग। अरे भाई क्या लाइन मारी है, मजे आ गया। दिनों बाद खाया और अच्छा बना भी था, कोइंसिडेंस है ना। सही है। कैसे है शिवाय, लस्सी कैसी है? यार चकारा डेडा की लस्सी पी रहे हो? नहीं। डेडा का भी हिस्सा पीते हुए ये छोटा खिलाड़ी क्या हो, चढ़ तो नहीं गई लस्सी? चढ़ गई क्या लस्सी? चढ़ गई। बिल्ली बन गया मेरा छोटा चूहा। हम आ गए थे रूम में और बच्चे को सुलाने, पर इस बच्चे को दिख गया डैडा का लैपटॉप और अब ये लगे हुए खेलने में। बहुत सही। तो फिर नहीं माउस भी चलाना है स्टाइल से, वो भी और गए। और ये आ गया डैडा भी शिवाय के साथ खेलते हुए। क्या हो रहा है, छोटे बच्चे का स्कूटर टूटेगा? नहीं टूटेगा। शिवाय डैडा क्या कर रहे हैं? स्कूटर आती जैसे दही जमाया अपनी बालकनी में। एक्चुअली मम्मी ने बोला था कि बालकनी में करके रख दो धूप में तो थोड़ा जल्दी जम जाएगा, और मैंने अभी चेक किया तो वाकई जम चुका है। आपको दिखाती हूँ, जम चुका है क्योंकि ठंडा हो रहा है ना तो जल्दी दही जमता नहीं है, इसलिए मम्मी ने बोला धूप में रख दो तो थोड़ा जल्दी जम जाएगा। बाय। अरे चाय बननी है हमारे लिए, खाने बनाओगी? खाने को भी बनाना पड़ेगा, नमकीन बिस्किट से काम नहीं चलेगा। क्या खाओगे? जो मेरा मन करेगा। तो बताओ, बिना बताए हम भगवान थोड़ी ना, जब तुम्हारी अंतर आत्मा को पहचान जाएंगे तुमको क्या खाना है। चाय बननी है हमारी गर्मा गर्म, सिर्फ चाय पी जाएगी, बाहर का कुछ नहीं खाया जाएगा, घर का भी कुछ नहीं खाया जाएगा। ठीक, तो थोड़ी कम नहीं है चाय? इनको खाने ही नहीं है तो ये जो कुलचा पड़ा हुआ था इसको गरम करेंगे मस्त घी भी लगा करके देसी स्टाइल में, और ये कुलचा और चाय, इतना गंदा कॉम्बिनेशन खाने वाले हैं ये। चल रही है और वाकई इन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई है। उन्हें मम्मा खाएंगी? मम्मा को कैसे खिला दिया, गुस्सा। चाय बढ़िया है। ली थी और शिवाय को लगी थी काफी तेज भूख, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ रागी। इसका रेसिपी बहुत सिंपल है, मैंने 2 चम्मच रागी डाली है और इसको ठंडे पानी में पहले घोल लिया है, तो ये सारे लम्स मैं हटा दूंगी, उसके बाद मैं गैस ऑन करूंगी, अदरवाइज लम्स पड़ जाएंगे। और फिर मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और ढेर सारा घी। घी मैं जरूर शिवाय को देती हूँ। थी खत्म, लेने गए थे हरी धनिया क्योंकि खाने में है आलू प्याज के पराठे, तो बिना धनिया के तो मजे नहीं आएंगे। शिवाय को नीचे भी लेके आ गए हैं, तो चलिए अब चलते हैं पार्क। शंकर जी के स्वरूप अलग है, एक माता जी के साथ विराजमान है, एक त्रिनेत्र खोल करके कामदेव को भस्म करने जा, हर स्वरूप का अलग अलग दर्शन करने का फल होता है। सही बात है। ये लंका से जाकर के पहले मुंह पर चला जाता है, एक बार दिमाग को हो जाता है। आज हमने कर दिए दर्शन माता रानी के साक्षात दर्शन, तो अब चलते हैं इनको थोड़ा सा पार्क लेकर के। हमारा गर्मा गर्म आलू प्याज का पराठा, तो आज डिनर में ये है, और ये रहा शिवाय का पराठा। शिवाय अपने पराठे के मजे लेते हुए। ओए
मजे आ रहे हैं। तो भाई ब्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है, ब्लॉगिंग करने के लिए आपकी जेब मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप ये सब चीजें स्टार्ट करते हो। तो मैंने ऑर्डर किया ट्राइपॉड और यस और माइक, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोनों चीजें इन्होंने एक ही साथ एक ही डब्बे में दे दी हैं, तो ये मुझे लग रहा है ट्राइपॉड का डब्बा है। ये है हमारा ट्राइपॉड। गोप्रो तो था मेरे पास बट फोन के लिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया है कि देखते हैं कैसा है। तो ये है हमारा ट्राइपॉड। रिव्यू तो इसको काफी अच्छे थे तो मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया है। और ये है मेरा माइक, इसके काफ़ी अच्छे रिव्यू थे। और जीतू जो कि मेरी फ्रेंड है, वो भी ब्लॉगिंग करती है, उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि ये वाला ऑर्डर करो, तो हमने ये वाला ऑर्डर किया है ग्रीन आरो का। तो ये भी कुछ है, हाँ देखते हैं बेटा क्या है। ये मेरी प्यूमा की टाइट्स, अमृतसर गए थे, प्यूमा की बढ़िया टाइट थी, कोई इशू नहीं था जिम वेयर मेरा। और वहां पे ई रिक्शे में पता नहीं कैसे फंसा और वो थाइस के पास पूरी फट गई। भाई इतनी महंगे आते हैं टाइट्स, फिर ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है और ब्लैक टाइट्स आई थिंक हर किसी के पास होनी चाहिए क्योंकि इतना कॉमन कलर है, इसलिए मैंने प्यूमा की ये टाइट्स ऑर्डर करी है। ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त। तो और काफी बढ़िया दिन था, काफी सारी चीजें करी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर। मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।